वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान तकरीब से खिताब कर रहे हैं। एक ऐसी चीज़ है जिससे हम सबको आपका खराज तहसीन पेश करना चाहिए, और ये शो भी करता है कि एक जो पुराना निज़ाम चल रहा था कबायली इलाके का, जब से ये जंग नहीं मुसलत की गई 9/11 के बाद, तो एक वो ऐसा निज़ाम था जिससे अमन था। पुराने निज़ाम में कबायली इलाके के अंदर बनस्बत जो बाकी पाकिस्तान में हालात थे, कबायली इलाके में जुर्म होते ही नहीं थे या बहुत कम जुर्म थे। अगर इंसाफ था तो फौरी और सस्ता इंसाफ था, लोगों को थाने कचहरी के चक्कर नहीं लगाने पड़ते थे। तो मैं अब जो हम नया निज़ाम लेके आ रहे हैं, इस निज़ाम की इसके ऊपर जो शाह फरमान ने बात की कि हमारी कोशिश होगी कि ये बिल्कुल आपके पुराने निज़ाम के साथ साथ चले। जो नया निज़ाम हो इसके अंदर आपकी पुरानी रवायतें, आपकी ट्रेडिशंस, आपका रहन सहन, आपका रहने का तरीका, वो कम से कम मुतासर हो। और ये हमारी कोशिश है कि जो इंसाफ का भी निज़ाम है वो ना हो जो कि जब दीर और स्वात के कबायली लोग जब वो पाकिस्तान में जम हुए थे और जब उनका पुराना निज़ाम ख़त्म हुआ तो वहाँ बहुत अफरा तफरी बची, वहाँ जुर्म बढ़ गए, क्योंकि जो नया निज़ाम था वो लोगों को समझ नहीं आ रही थी। पुराने निज़ाम से जो नए निज़ाम पे जाना वो इतना बड़ा फासला था कि वहाँ कुछ भी नहीं रहा। तो हमारी अब पूरी कोशिश है कि उससे जो हमने सबक सीखे हैं, इस बार जो निज़ाम हम लेके आए और जिसको हमने कबायली ये KP में पिछले 5 साल ट्राई भी किया, जिसको अल्टरनेट डिस्प्यूट रेजोल्यूशन कहते हैं, कि मतलब ये कि एक हर डिस्ट्रिक्ट के थाने में एक जरगा बैठता है, लोग आते हैं और उनको वहाँ इंसाफ मिल जाता है। तो यही हम कबायली इलाके के अंदर जो जम हुआ हमारे साथ उस पर भी हम यही लेके जा रहे हैं कि आपका एक जरगा बैठे, आप लोग आएँ और आप उसी तरह जो आपके पुराना निज़ाम के करीब करीब ये चीज़ है कि लोगों को मुफ्त इंसाफ मिले और फौरी इंसाफ मिले। दूसरी चीज़ जो हम बल्दियाती निज़ाम है वो भी आपके पुराने निज़ाम से बड़ा करीब है, क्योंकि जो बल्दियाती निज़ाम हम लेके आ रहे हैं असल में वो कबायली इलाके में हमेशा चलता आया है। वो ये है कि हर गांव अपने फैसले करेगा, हर गांव को इख्तियार, डायरेक्ट फंड्स जाएंगे, और ये पहली दफ़ा तहरीक इंसाफ ने यहाँ पख्तूनख्वा में विलेज काउंसिल शुरू की थी। अब ये हम पंजाब में भी ये निज़ाम लेके आ रहे हैं कि एक गांव मुकम्मल तौर पे अपने गांव अपने फैसले करेगा और गांव को डायरेक्ट फंड्स जाएंगे प्रोविंशियल गवर्नमेंट से, यानी ये नहीं होगा कि वहाँ से डिस्ट्रिक्ट में जाएगा, फिर डिस्ट्रिक्ट से यूनियन काउंसिल पर नीचे गांव में, डायरेक्ट गांव के अंदर प्रोविंस से सीधा फंड जाएगा। और ये इंशाल्लाह ये भी आपके पुराने निज़ाम के बड़ा करीब है। मैं सिर्फ आपसे ये अब उम्मीद रखता हूँ कि ये थोड़ा मुश्किल, जब ये बड़ा मुश्किल फैसला था और ये है भी बड़ा मुश्किल काम कि एक कबायली इलाके का निज़ाम चला आ रहा है बिल्कुल मुख्तलिफ, पाकिस्तान में 70 साल से बिल्कुल मुख्तलिफ निज़ाम है, कानून मुख्तलिफ है, तो ये जो जम कबायली इलाका हो गया है पख्तूनख्वा से, ये एक मुश्किल काम है। ये कोई भी ना समझे कि ये आसान है, इसमें मुश्किलात आएंगी, मसले आएंगे, लेकिन हमारी पूरी कोशिश ये है कि एक मुसलसल एक कमेटी होगी जो मुसलसल बैठ के आपके मसले हल करती जाएगी। जिस तरह भी कोई मसला आए वो आपके साथ मुशावरत होगी और इंशाल्लाह आपके मुशावरत से हम वो मसले हल करेंगे। और आने वाले दिनों में ये जो अब इलेक्शंस आ रही हैं, इसके अंदर इलेक्शंस में भी एक वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान पेशावर में मौजूद हैं, कबायली आमायदीन से वो खिताब कर रहे थे और उनका ये कहना था कि पेशावर को और तमाम खैबर पख्तूनख्वा को कबायली इलाका जात के साथ जम करना एक आम काम नहीं था और 70 साल से वहाँ पर जो निज़ाम अदल का चलता आ रहा था उसके साथ पैरेलल निज़ाम था फाटा में और वहाँ पर जरगा सिस्टम था जबकि दूसरी जानब पुलिस का सिस्टम था। इन दोनों निज़ाम को जम करके एक निज़ाम बनाना मुश्किल काम था लेकिन अब हमने वो कर दिया है। और जरगा सिस्टम के हवाले से उनका बात करते हुए ये कहना था कि जरगा सिस्टम अपनी तकरीबन असल हालत में बहाल रहेगा और यही हुकूमत की कोशिश
ہوگی کہ سستا اور فوری انصاف لوگوں کو قبائلی علاقہ جات میں مل سکے۔ اس کے علاوہ انہوں نے یہ بھی اعلان کیا کہ حکومت اب 1000 ارب کے قریب قبائلی علاقہ جات میں ایک سال میں خرچ کرے گی۔ نقل مکانی کرنی پڑی۔ میں نے ایک چیز مجھے احساس ہوا کہ جب وہ نقل مکانی کر رہے تھے اور جو مشکلات کا سامنا تھا، اوپر سے ڈرون اٹیکس تھے، کوئی بھی قبائلی علاقے کی آواز اٹھانے والا نہیں تھا، آواز ہی نہیں تھی قبائلی علاقے کی لوگوں کی۔ تو اب یہ کبھی بھی ایسے نہیں ہوگا، کیونکہ اب آپ کے علاقے کی بھی پوری آواز ہوگی۔ اتنا بڑا جب صوبہ ہوگا تو اس کی ایک بڑی طاقت ہوگی، اس کی آواز ہوگی، تو کبھی انشاءاللہ وہ جو آپ کے برے حالات تھے وہ کبھی آگے سے نہیں ہوں گے۔ میں آپ سب کو پھر خوش آمدید کہتا ہوں اور آپ کو خراج تحسین پھر سے پیش کرتا ہوں۔ شکریہ۔ بتائیں کہ وزیر اعظم موجود ہیں جہاں انہوں نے ضم پشاور میں وزیر اعظم عمران خان قبائلی عمائدین سے خطاب کر رہے تھے اور ان کا یہ بتانا تھا کہ قبائلی علاقہ جات کے لیے جو جرگہ سسٹم کا نظام تھا وہ جاری رہے گا، اس میں کچھ تبدیلیاں کی گئی ہیں، لیکن وزیر اعظم عمران خان کا یہ کہنا تھا کہ مورلس وہی سسٹم ہوگا اور انصاف ہم چاہتے ہیں کہ وہاں پر فوری طور پر لوگوں کو مل سکے جو جرگہ سسٹم ہے اس کے تحت۔ اوور آل ان کا یہ کہنا تھا کہ یہ ایک مشکل کام تھا کیونکہ پاکستان میں 70 سال سے قبائلی علاقہ جات میں ایک نظام تھا پولیسنگ کا اور اس کے بعد عدالتوں کا جس کو جرگہ کہا جاتا تھا، اور دوسرے پاکستان میں یعنی کہ باقی جہاں جب تک فاٹا میں ضم نہیں ہوا تھا، کے پی کے اور فاٹا کا انضمام نہیں ہوا تھا، تب تک ایک دوسرا نظام وہاں پر رائج تھا، تو اس وجہ سے یہ ایک مشکل کام تھا۔